150 सालों से श्रापित मंदिर की रखवाली कर रहा है ये छाधारी हाथी। वैसे तो इस हाथी के अनेकों चमत्कार है, परंतु आज जिस चमत्कार की हम बात करने वाले हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। बात है राजस्थान के जयपुर में स्थित एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके पट साल में केवल एक दिन महाशिवरात्रि पर खुलते हैं। इस दिन इस मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है और इसी दिन इस मंदिर का दान पात्र भी खोला जाता है, जिसमें से तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का दान निकलता है। साथ ही में साल के 365 ही दिन इस मंदिर के आसपास एक हाथी घूमता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो पिछले 150 सालों से इस मंदिर की रखवाली कर रहा है और वो एक इच्छाधारी हाथी है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है और उसने कई बार मंदिर को बचाया है। बात है सन 2013 की। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था और एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर के सभी भक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि भगवान के द्वार अब खुलने वाले थे। परंतु इस मंदिर के खुलने पर इन सभी लोगों से ज़्यादा दो और लोग खुश थे, जिनका नाम था राजू और रमेश। राजू और रमेश बचपन से ही प्रख्यात चोर थे। दोनों के दोनों नास्तिक थे और भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें पता चला कि शिवरात्रि के दिन एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर के पट खुलते हैं, उस दिन दान पात्र भी खोला जाता है और उसके अंदर से 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का दान निकलता है। तो उन्होंने एक दिन पहले उस मंदिर में घुसकर उस दान पात्र को चुराने की योजना बनाई। परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पिछले 150 सालों से एक इच्छाधारी हाथी उस मंदिर की रखवाली कर रहा है। अब महाशिवरात्रि के एक दिन पहले रात्रि के समय वो एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर ही एक हाथी पहरेदारी कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम पीछे की तरफ से कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब वो पीछे के रास्ते पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वही हाथी उस स्थान पर भी पहरेदारी कर रहा है। अब उन्होंने मिलकर हाथी का ध्यान भटकाने की कोशिश करी। राजू ने उस हाथी को अपनी ओर आकर्षित किया ताकि मौका पाकर रमेश उस मंदिर के अंदर घुस जाए। अब जब राजू पर आक्रमण करने के लिए हाथी उसकी ओर बढ़ा, इतने में ही उस मंदिर का ताला तोड़कर रमेश उस मंदिर के अंदर चला गया। परंतु अब वो होने वाला था जिनकी इन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश के उस मंदिर के अंदर घुसते ही उस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। जो उसने बाहर ताला तोड़ा था वो अपने आप पुनः लग चुका था। राजू ने ये सब देखा तो उसके भी होश उड़ गए और वो वहां से भाग गया। अब सुबह महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष में एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर का पट पूरे एक साल बाद खुलने वाला था, जिसके लिए सभी भक्त बहुत ही खुश थे। और जब मंदिर के कपाट खोले गए तो जोर जोर से चिल्लाता हुआ एक शख्स बाहर निकल कर आया, जो रमेश था। रमेश को पूरी तरह से दिखना बंद हो चुका था। वो कुछ ना तो बोल पा रहा था और न ही लोगों की बातें सुन पा रहा था। वो अपने पर बीती जो भी लोगों को सुना रहा था वो किसी के समझ भी नहीं आ रहा था। सभी लोगों के मन में यही प्रश्न था कि आखिर ये व्यक्ति इस मंदिर के अंदर कैसे पहुंचा, क्योंकि मंदिर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। शायद उस रात्रि को उस मंदिर में घुसकर रमेश ने बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात्रि को उसने उस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शायद उसी का सिला इस रूप में भगवान ने उसे दिया था। 150 साल से जो इच्छाधारी हाथी उस मंदिर की रखवाली कर रहा था, उसने भी उन दोनों चोरों को रोकने का बहुत प्रयास किया था, परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके बाद रमेश इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा और राजू भी उस रात से लापता हो गया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं लग पाया।
सभी भक्तों ने महाशिवरात्रि के दिन एकलिंगेश्वर महादेव के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, दान पात्र को खोला गया और उसी दिन रात्रि के समय महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद पुनः एक साल के लिए उस मंदिर के पट बंद कर दिए गए। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।